नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खले। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी होनहार बेटी से जो मल्टी फ्लेवर्ड है, उसका अपना एक अलग ट्रैक रिकॉर्ड है। ग्रासलैंड में अपने गार्जियंस के साथ रहती हैं और इन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है। नमस्कार विदुषी जी। नमस्कार विदुषी जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपना परिचय शेयर करें। हेलो, मेरा नाम विदुषी चित्रवंश है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अभी अपने थर्ड ईयर में बीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पापा का नाम कुमार विवेक है और वो इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड हेड ऑफ ऑफिस में की पोजिशन में पोस्टेड हैं। मेरी मम्मी का नाम ज्योति श्रीवास्तव है और वो एक होम मेकर हैं और उनको होम मेकिंग के साथ साथ आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक इन सब का भी बहुत शौक है। मेरी एक बड़ी बहन है वामिका चित्रवंश और वो मुंबई में एक कॉर्पोरेट जॉब कर रही है एज अ UI/UX डिज़ाइनर। विदुषी, जैसा कि मैंने आपके बारे में बातचीत में आपने बताया कि आपके शौक कुछ अलौकिक हैं, अलग हटके हैं, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ अपने शौक शेयर करें। मुझे लिखने का बहुत शौक है। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, एसेज, ब्लॉग्स और पोएट्री थोड़ा कम, लेकिन वही एसेज का ही ज़्यादा शौक है। तो सोशल मीडिया पे आप किस नाम से ब्लॉग में पाई जाती हैं? विदुषी चित्रवंश नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसी पर मैं जो मुझे लिखने का काम होता है वो करती हूँ। एक मेरा एडगर एलन पॉप करके एक पेज है, उस पर भी मैं मुझे तब जो अपना एडिटिंग का काम जो मैंने आपको बताया वो उसके वीडियोस के साथ साथ कुछ अपने कैप्शंस जो मेरा मन होता है लिखने का किसी चीज़ के बारे में उन सब के बारे में लिखते हो। विदुषी, आपका एक शौक म्यूजिक से जुड़ा हुआ है जिसको आपने बातचीत में बताया कि आप गिटार बजाती हैं, इसकी शिक्षा दीक्षा और इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली, किससे मिली? गिटार बजाने का, मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे शुरू में वायलिन सीखने का मन था, लेकिन कानपुर में जब हम पोस्टेड थे तो वहाँ पे वायलिन सीखना थोड़ा मुश्किल है और वायलिन सीखने को भी मिलेगा तो कर्नाटक म्यूजिक में ज़्यादा जो मेरा मन नहीं था, तो फिर मैंने उसी बारे में पापा से बात की और पापा ने मुझे बोला कि गिटार सीखना बेटर होगा और मतलब आगे चल के परफॉर्म करना है उसके लिए भी बेटर होगा और टीचर्स ढूंढेंगे तो उसके लिए भी बेटर होगा। तो मैं और पापा साथ में ही म्यूजिक स्कूल जाते थे कानपुर में, वो भी सीखते थे मैं भी सीखती थी और शुरू से ही सीखते थे हम लोग। तो सबसे पहले कौन सीख पाया? दोनों ने साथ में ही सीखा, तो जो हम लोगों को शुरू में एकदम बेसिक एजुकेशन थी वो तो हमने साथ में ही किया। उसके बाद पापा घर ही पर सीखना लगे, अपने आप ही बजाते थे और मैंने कंटिन्यू किया मिनी मैम के साथ। वो यंग सी थी और मेरी दीदी की एज की थी, वो बहुत अच्छा सिखाते थे। वो घर पे आती थी पहले, लेकिन फिर जब कोविड लग गया तो उसके बाद से वो मुझे ऑनलाइन क्लासेस देने लगी और फिर कुछ समय के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी पकड़ हो गई है अपने आप कि मैं बजा सकती हूँ और परफॉर्म कर सकती हूँ, तो उसके बाद मैंने रोक दिया क्योंकि फिर पढ़ाई भी ज़्यादा हो रही थी और बाकी चीज़ें भी थी मुझ पर फोकस करने के लिए। तो बस विदुषी, आपने गिटार को लेके अपने, चूँकि आप पहले ये बताइए आप वर्तमान में किस तरह की एजुकेशन ले रही हैं? मैं अभी कॉलेज में अपना बैचलर्स ऑफ साइंस कर रही हूँ फिजिकल साइंस में विद केमिस्ट्री, तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और साथ ही साथ हम लोगों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी अभी इम्प्लीमेंट हुई है, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, तो उसमें हम लोगों को साथ में ही बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, तो मैंने साथ में इंग्लिश भी पढ़ा है, हिस्ट्री भी पढ़ा है, उर्दू भी कुछ दो सेमेस्टर मैंने पढ़ा है, तो ये सारे सब्जेक्ट साथ ही साथ NEP में हम लोगों के मेन सब्जेक्ट जो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है उसके साथ ही साथ चलता रहता, तो मैंने कई सब्जेक्ट। विदुषी, जो गिटार की परफॉर्मेंस की बात हम लोग कर रहे थे, गिटार को आपने कभी स्टेज परफॉर्म किया या कहीं आपने किसी प्रोग्राम में सहभागिता रही आपकी? कई बार मैंने अपने स्कूल में कई बार परफॉर्म किया, कई सारे इवेंट्स में, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे होता था तो सबसे पहले हम ही लोगों को बोलते थे बजाने के लिए। कॉलेज में मैंने बहुत परफॉर्म किया, कॉलेज में भी इवेंट्स तो होते ही रहते हैं, फंक्शंस और फेयरवेल्स और वही फ्रेशर्स पार्टी वगैरह,
और कॉम्पिटिशन में भी मैंने बजाया, इनफैक्ट पापा के ऑफिस में भी एक फंक्शन था उसमें भी मैंने बजाया, तो जहाँ भी बजाने का मौका मिलता है वहाँ मुझे बजाने में बहुत अच्छा, उसको छोड़ती नहीं है। आपका एक शौक और भी था जो आपने शेयर किया कि आपको रीडिंग बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने का बड़ा शौक है, किस तरह की पुस्तकें पढ़ने का आपको शौक है? शुरू में मुझे फैंटेसी पसंद था, जब जैसे जब छोटी थी तो हैरी पॉटर का बहुत शौक था, अभी भी आप मेरी बुक रखते हैं क्योंकि उसमें हैरी पॉटर की बहुत सारी किताबें हैं। हैरी पॉटर एक ऐसी किताब है जो आई थिंक हर बच्चे को पढ़नी चाहिए जो इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत आसान नहीं है, जो इनफैक्ट जो हम लोगों की टेक्स्ट बुक्स में जिस तरह की इंग्लिश दी होती है उसकी, उससे बहुत अलग इंग्लिश है, लेकिन इतना सुंदर लिखा है उसमें कि आपको समझ में आता है कि इंग्लिश में कितने तरह से आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर मेरे पापा को भी बुक्स का बहुत शौक है, इनफैक्ट उन्हीं की वजह से शायद आज मुझे इतना इंटरेस्ट है, तो उसके बाद से जो पापा पढ़ते थे, जो पापा ने पढ़ के रख दिया साइड में, वही मैं देखती थी कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और पापा को आपने अडॉप्ट किया जैसे शौक में? हाँ, जैसे उनको हिस्ट्री का बहुत शौक है, आज भी उनको बहुत शौक है, इनफैक्ट उनको आप कोई भी इवेंट के बारे में पूछ लीजिए, किसी भी डेट के बारे में पूछ लीजिए, उनको सब आज भी याद है, वो बता सकते हैं आपको, तो उनकी हिस्ट्री बुक्स मैंने बाद में उठाई। और अब तो मुझे जो मिलता है, जो मुझे हल्का सा भी इंटरेस्ट होता है मैं पढ़ लेती हूँ, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनरा नहीं है कि मुझे यही किताब पसंद है, मुझे सिर्फ फिक्शन पसंद है, सिर्फ नॉन फिक्शन पसंद है। इनफैक्ट साइंस की किताबें भी मुझे बहुत पसंद थी जब मैं छोटी थी, जब मैं 8 साल की थी मेरे बाबा ने मुझे एक किताब गिफ्ट की थी एस्ट्रोनॉमी पर, तो तब से मेरी एस्ट्रोनॉमी में बहुत रुचि हो गई कि मम्मी पापा जब भी उनको मौका मिलता था बर्थडे पे या क्रिसमस पे तो मुझे वो एस्ट्रोनॉमी की किताब देने लगे, तो वो कुछ साल चला, तो नहीं मतलब वक्त के साथ साथ आपके शौक में परिवर्तन होता गया, बदलते ही गए, कभी ऐसा था ही नहीं कि मेरे शौक रुक गए, आज भी मुझे लगता है कि ये जॉनरा मैंने पढ़ा नहीं है तो ये मुझे पढ़ना चाहिए, तो बदलता ही रहता है, कभी मुस्तर रहा ही नहीं। इसी पिताजी से तो आपने बहुत कुछ पाया, माँ को कहाँ से आपने अडॉप्ट किया है, क्योंकि आपकी मम्मी भी काफी हुनरमंद है, काफी मेधावी है। आई थिंक उनका मम्मी की ज़्यादा टेंडेंसीज मैंने पकड़ी है, जैसे मेरी मम्मी कोई भी काम करती हैं तो उसको परफेक्शन में करती हैं, परफेक्शन तक करती हैं, ऐसा करेंगे कि वो जब तक उनकी पकड़ बहुत अच्छी ना हो जाए, जैसे अभी हम लोग जब कोलकाता में पोस्टेड थे, जब पापा पोस्टेड थे तब उन्होंने बांग्ला सीखने का डिसीजन लिया, कोई करता नहीं है ये, लेकिन मम्मी को वो जहाँ भी जाते हैं वो इतना प्रिसाइज काम करते हैं और उनको हर चीज़ की इतनी क्यूरियोसिटी है, वो शायद क्यूरियोसिटी समवेयर मैंने भी पिक किया कि चीज़ों को के बारे में पता करना, और ये सब हैबिट्स में न्यूज़पेपर पढ़ना, वो रोज़ पेपर पढ़ते हैं जो मम्मी से पाए आप। हाँ, ये तो मम्मी ने ही, जब मैं छोटी थी तो हेडलाइंस पढ़ पढ़ के, बोलती थी कि हेडलाइंस पढ़ के सुनाओ, तो उससे हिंदी इंग्लिश भी अच्छी होती थी और फिर इंटरेस्ट भी आने लगा कि मम्मी पेपर पढ़ रहे हैं तो पेपर तो पढ़ना है। क्योंकि विदुषी आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं, फिर भी आप बातचीत के दौरान जो मैं कर रहा हूँ इसमें आपकी हिंदी की पकड़ बड़ी अच्छी है, ये कैसे है? घर की वजह से। हाँ। घर में हमेशा, क्योंकि आपने बताया आप लिखने में भी इंग्लिश का इस्तेमाल करती हैं, आमतौर पर आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जीवन का उसी में जाता है, तो घर की जो आपके साथ संस्कार है वो हिंदी से जुड़े रहे, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, और ये आई थिंक बहुत लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है कि जहाँ भी जिस एनवायरनमेंट में आप अभी हैं उस हिसाब से आपका दिमाग थोड़ा स्लिप कर जाता है, जैसे अभी मैं कॉलेज जाऊँगी तो मेरे कॉलेज में बहुत कम लोग हिंदी बोलते हैं, तो वहाँ पे मेरा हिंदी वाला पार्ट बंद हो जाएगा, वहाँ पे मेरा सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट ही चलेगा, लेकिन जैसा माहौल वैसे बन जाता है। लेकिन जैसे ही मैं घर आती हूँ वैसे मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ तो सब हिंदी ही बोलते हैं, तो मेरा इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाता है, हिंदी वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वैसे विदुषी, अब बात आती है आपकी बहन की, जो बड़ी बहन है, उनका नाम सहित आप हमें उनके बारे में भी बताइए, उनसे आपने क्या प्राप्त किया, क्योंकि आप सबसे नीचे के एपिसोड पे हैं, आपको सब पाने का मौका मिला सभी से। हाँ, इस चीज में तो आई थिंक मेरा लक बहुत काम करेगा, क्योंकि मुझे हमेशा
मिला ही है, मुझे कभी देना ही नहीं पड़ा। तो मेरी बड़ी बहन का नाम वामिका है और हम लोगों में 6.5 साल का डिफरेंस भी है, तो वो काफ़ी बड़ी है मुझसे। आई थिंक जो चीज़ दीदी से मुझे सीखने को मिली, उसने कभी, जैसे हर बच्चे पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं या उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, वो खुद किसी से, खुद से एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो कभी उस चीज़ पे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जैसे हमारे यहाँ ये रहता था कि 11th पढ़ने के बाद साइंस लेना है, लेकिन उसको पता था कि उसका इंटरेस्ट क्या है और उसको क्या करना है, तो काफ़ी डिबेट भी हुई, कई लोग नहीं माने, लेकिन तो भी उसने साइंस नहीं किया, उसने कॉमर्स ही लिया। जो उसे मन में अच्छा हाँ, लगा। और ये करने के लिए एक लेवल की ब्रेवरी भी चाहिए होती है, तो वो जो ब्रेवरी थी उसकी, आज भी जैसे उसने कॉलेज के बाद सीधा जॉब में ना करके स्टार्टअप किया, और उसने पढ़ाई भी, उसने ग्राफिक डिज़ाइन में पढ़ाई की, जो उस समय जब उसने 2016 में कॉलेज ज्वाइन किया था तो उस समय बहुत पॉपुलर नहीं था। अब तो डिज़ाइन बहुत चल पड़ा है, बहुत पॉपुलर हो गया बच्चों के बीच में मेरी एज के, लेकिन उसके टाइम पे नहीं था। तो वो रिस्क टेकिंग और वो आई थिंक ब्रेवरी ही, सही शब्द ब्रेवरी ही रखा है। तो उसको लगता है ये करेंगे और उसका आत्मविश्वास से जुड़ जाता है। हाँ, तो ये कैसी चीज है जो मुझे हमेशा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में एडमायर करती हूँ। विदुषी, अगर आपसे कहा जाए, चूंकि आप म्यूजिक में हैं, आप गायन में भी हैं, आप गिटार भी बजा लेती हैं, तो अगर हम आग्रह करें आपसे किसी गाने के लिए, तो क्या आप हमें 2 लाइन उस गाने की गुनगुना सकती हैं, कोई सी भी जो आपकी पसंद का बेहतरीन गाना हो? विदुषी, अगर चलते चलते अगर आपसे एक सवाल, जो अलौकिक ख्याल हटके हैं, आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपके जीवन में अगर 2 ख्वाहिशें आपकी जानने की इच्छा हो, तो आप क्या आप कहेंगे 2 ख्वाहिशें, 2 इच्छाएं आपकी जो आप पूरी करने के लिए सबसे पहले आप आगे करना चाहेंगी अपने जीवन में? एक तो थोड़ा जो मैंने आपको बताया कि मैं अपनी दीदी को अपने उसके ब्रेवरी के लिए और उसके रिस्क टेकिंग के लिए एडमायर करती हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो वो चीज़ें आराम से या फिर कर पाती है, वो उतना उस लेवल तक मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता रहता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सही से हो पाएगा या नहीं। तो थोड़ा उससे इंस्पायर होकर मैं भी उसकी तरह रिस्क टेकिंग कर पाऊँ, एक ख्वाहिश। और दूसरा ये कि जितना मेहनत मम्मी पापा ने मुझ पर की है मुझे पढ़ा करने में और मुझे इतनी चीज़ें सिखाने में, वो चीज़ें कहीं मैं दूसरों को भी बता पाऊँ, दूसरों को भी सिखा पाऊँ और उन चीज़ों पे अमल रहूँ कि वो जो उन्होंने मुझे इतना सिखाया है वो आगे चल के उनको भी, मतलब उनको भी ऐसा लगे कि वो भी मुझ पे प्राउड हो, गर्व करें। तो यही 2 चीज़ें जो मेरा मन है। तो ये थी विदुषी जी, जो 2 ख्वाहिशें जो बड़ी अटपटी और अनोखी हैं, उसके साथ बंजारा बीट के साथ अपनी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए विदुषी जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।